महाकाल लोक के बाद उज्जैन को एक और बड़ी सौगात मिली है। उज्जैन स्टेशन से महाकाल मंदिर तक की दूरी अब रोप वे के जरिए 5 मिनट में तय होगी। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए 209 करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी दे दी है। इस आशय की जानकारी केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ट्वीट के जरिए शेयर की है। इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश में उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 2 किलोमीटर की लंबाई के रोप वे के टेंडर को मंजूरी मिली है। जुलाई 2023 से इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। आपको बता दें कि रोपवे स्टेशन में लोगों के लिए फूड जोन, प्रतीक्षालय, शौचालय के साथ साथ बस और कार पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। इसी कड़ी में महाकाल मंदिर के विकास में एक और नई व्यवस्था लागू होने वाली है। एजेंसी 2 रूट का प्लान बनाकर ले गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस यही हैं कि रोप वे की शुरुआत रेलवे स्टेशन से ही होगी। अंतिम छोर महाकाल मंदिर होगा। उज्जैन से अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली सड़कों के शिलान्यास के लिए नितिन गडकरी 24 फरवरी 2022 को पहुंचे थे। इस दौरान मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा था कि नितिन गडकरी आजकल नया करने में जुटे हैं। कहीं पर समुद्र में प्लेन उतार रहे हैं तो कहीं शहरों में हवा में बस चलने वाली है। उज्जैन में भी लाखों श्रद्धालु महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। यहां भी बाबा के भक्तों के आवागमन को सरल बनाने के लिए रोप वे तैयार करवा रहे हैं। इस पर नितिन गडकरी ने भी सीएम शिवराज को फौरन जवाब देते हुए कहा था कि आप प्रपोजल बनवाकर भिजवा दीजिए, जल्दी काम शुरू कर देंगे।